किसी भी देश की दोस्तों तरक्की में अगर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी हो तो आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए, वो है दोस्तों एसटीआई का इंडेक्स। जब भी दोस्तों किसी देश में तरक्की अच्छे से हो पाती है, वहाँ के लोग फ्रीडम के साथ ज़िंदगी जीते हैं, लोगों के हाथ में अच्छे खासे आपको पैसे देखने को मिल जाएंगे, सभी को दोस्तों अपने अधिकारों की पूर्ति दोस्तों देखने को मिल जाती है, तब दोस्तों उस देश का एसटीआई का इंडेक्स भी आपको, एसटीआई का स्कोर भी आपको हाई लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। वैसे तो एसटीआई के इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ों पर फोकस रखा जाता है, लेकिन मेनली दोस्तों इससे इंडेक्स में किसी देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर फोकस रखा जाता है, उसकी स्कूलिंग एजुकेशन के ऊपर फोकस रखा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर दोस्तों फोकस रखा जाता है, और साथ ही दोस्तों कैपिटल गेन कैपिटल इनकम पर भी पूरा फोकस रखा जाता है, और पर कैपिटा इनकम भी इसमें पूरी तरह से कंसीडर की जाती है। तो ये सभी चीज़ें अगर किसी देश के लोगों को अच्छे से मिल पाए और फ्रीडम अच्छे से मिल पाए तो लोग तो दोस्तों खुश रहेंगे ही। तो चलिए आज मैं आपको 10 ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिनका एसटीआई का स्कोर पूरी दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा हाई लेवल का देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, एंड तक बने रहना और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है ईरान का। आज के दिन दोस्तों पूरी दुनिया के लोग इस देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जानते और पहचानते हैं, लेकिन हिस्ट्री में इसका नाम जो सबसे ज़्यादा फेमस रहा है वो है पर्शिया। ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ के मुकाबले दोस्तों यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। भले ही ईरान बहुत ज़्यादा रिच कंट्री ना हो, लेकिन इसके बाद भी लोगों को एजुकेशन की अच्छी सुविधा ज़रूर देखने को मिल जाएगी, हेल्थ केयर अच्छा देखने को मिल जाएगा, और अब तो दोस्तों फ्रीडम भी यहाँ के लोगों के पास लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि आज के दिन दोस्तों इस देश का लेटेस्ट जो एसटीआई का स्कोर निकला है वो है 0.797, और इस तरीके से दोस्तों ये कंट्री आती है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में। नंबर 9 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है मलेशिया का। साउथ ईस्ट एशिया का दोस्तों ये देश तरक्की में बहुत आगे बढ़ चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कमाल देखने को मिलेगा, लोगों के पास अच्छा खासा पैसा भी अब दोस्तों लगातार बढ़ रहा है, रूल्स और रेगुलेशंस में भी ये मुस्लिम कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हुई आपको नज़र आ जाएगी। एजुकेशन में ये अव्वल दर्जे का देश है, लोगों को अच्छी खासी फ्रीडम देखने को मिलेगी, और इस मुस्लिम कंट्री में महिलाओं के लिए दोस्तों लोगों के अंदर बेहद ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, और महिलाओं की लाइफ भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बन चुकी है। यही वजह है कि आज के दिन दोस्तों मलेशिया देश का जो एसटीआई का लेटेस्ट स्कोर निकला है वो है 0.810, और इस तरीके से ये कंट्री आती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में। मुस्लिम्स कंट्री में दोस्तों इसका 9वें नंबर का बेस्ट स्कोर है, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी रैंकिंग है नंबर 62 की। और इसके अलावा जो ईरान दोस्तों मुस्लिम कंट्री में तो एसटीआई के मामले में नंबर 10 पर आया है, लेकिन दुनिया में इसकी भी रैंकिंग आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों तकरीबन नंबर 66 की। नंबर 8 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है कुवैत का, जिसको कि पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत के नाम से जानती और पहचानती है। मिडल ईस्ट का ये देश दोस्तों तरक्की में अमीरी में बेहद ही ज़्यादा आगे है, पैसे की कुवैत के पास आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली, एजुकेशन भी हाई लेवल की देखने को मिल जाएगी, स्पेशली दूसरे देशों से दोस्तों बहुत सारे टैलेंटेड लोग कुवैत में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते कुवैत के लोग ना अच्छी खासी मॉडर्न लाइफ भी आज के दिन जीते हुए नजर आ जाएंगे। कुवैत का ताज़ा दोस्तों अगर हम एसटीआई का स्कोर देखें तो ये है 0.808, और इस तरीके से ये कंट्री पूरी दुनिया में तो वैसे आती है दोस्तों नंबर 64 पर, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में दोस्तों इसकी रैंकिंग है पूरे 8वें नंबर पर, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा दोस्तों ये मुस्लिम देश है ज़िंदगी जीने के लिए। नंबर 7 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है कजाकिस्तान का। सेंट्रल एशिया के दोस्तों इस देश में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का देखने को मिल जाएगा, स्पेशली पिछले 10 सालों में दोस्तों एजुकेशन में यहाँ बेहद ही ज़्यादा सुधार देखने को मिला है, जिसके चलते करप्शन भी देश में अब काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। कजाकिस्तान को दोस्तों ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मुस्लिम देश माना जाता है, और आज के दिन कजाकिस्तान देश का लेटेस्ट जो एसटीआई का दोस्तों स्कोर निकला है वो है 0.818, और इस तरीके से ये कंट्री वर्ल्ड में तो आती है 50वें नंबर पर, लेकिन अगर हम बात सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ की करें तो उसमें दोस्तों कजाकिस्तान की रैंकिंग आती है नंबर 7 पर। इसमें कोई दोहराए ही नहीं है कि दोस्तों कजाकिस्तान एक अव्वल दर्जे का देश है मुस्लिम कंट्रीज़ में रहने के लिए।
आगे बढ़ते हुए दोस्तों, बात अगर नंबर 6 के देश की हम करें तो नाम आता है ओमान का। मिडल ईस्ट का ये देश भी दोस्तों बेहद ही ज़्यादा अमीर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अव्वल दर्जे का, एजुकेशन सिस्टम कमाल है, हेल्थ केयर की सुविधाएं भी ओमान में आपको कमाल की देखने को मिल जाएगी। और सबसे कमाल बात तो ये है कि यहाँ पर मॉडर्न लाइफ जीते हुए भी लोग आपको नज़र आ जाएंगे। स्पेशली लड़कियाँ दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी ज़िंदगी जीती हुई आप सभी को नज़र आ जाएंगी। ताज़ा स्कोर अगर दोस्तों ओमान का हम एचटीआई का देखें तो ये है तकरीबन 0.834। इस मामले में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है दुनिया के अधिकतम देशों के मुकाबले। इस मामले में दोस्तों ये दुनिया का तो 48वें नंबर का वैसे देश है, लेकिन पूरी अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में हम काउंट करें तो ये आता है नंबर 6 पर। चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 5 के देश की, जो कि है बहरीन। बहरीन का रुतबा भी दोस्तों मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का देखने को मिलेगा। मिडल ईस्ट की इस कंट्री में आपको कमाल की मॉडर्न बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। मॉडर्नाइजेशन का दोस्तों पूरा यहां अब झुकाव हो चुका है और यहां की महिलाओं को तो दोस्तों बेहद ही ज़्यादा मॉडर्न माना जाता है। रिपोर्ट्स का तो ये भी दावा है कि बहरीन की महिलाएँ दूसरे किसी भी मुस्लिम देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न देखने को मिलेंगी। और कुछ लोग तो दोस्तों बहरीन को आज के दिन मिडल ईस्ट का लास वेगास पीक कहते हैं, और ऐसा भला हो भी क्यों ना। देश का अगर दोस्तों एचटीआई का स्कोर ही देखें तो वो है 0.838, और इस मामले में ये पूरी दोस्तों मुस्लिम कंट्रीज में आती है नंबर 5 पर। नंबर 4 के देश की ही अगर हम बात करें तो नाम आता है ब्रुनेई का। ब्रुनेई दोस्तों बेहद ही अमीर देश है। पॉपुलेशन इसकी भले ही बहुत ज़्यादा कम क्यों ना हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। एजुकेशन सिस्टम में कोई आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी और लोगों को पूरी फ्रीडम के साथ उनकी लाइफ भी यहाँ जीने दी जाती है। इन सब वजहों के चलते आज के दिन ब्रुनेई का दोस्तों जो एचटीआई का स्कोर है वो है 0.845, और इस तरीके से ये चौथे नंबर की बेस्ट दर्जे की कंट्री बनती है एचटीआई के मामले में मुस्लिम कंट्रीज़ की लिस्ट में। बहुत ही दोस्तों अव्वल दर्जे का देश है ब्रुनेई अगर हम मुस्लिम देशों की बात करें तो। नंबर 3 के देश की बात करें तो नाम आता है कतर का। दुनिया का बेहद ही अमीर देश। अक्सर दोस्तों जब भी रिचेस्ट कंट्रीज़ की चर्चा होती है तो ये कंट्री आपको टॉप 3 में रहती हुई नज़र आ जाएगी। हालांकि आज के समय ये थोड़ा नीचे ज़रूर आई है। पैसे की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, किसी चीज़ की इस देश के पास कोई कमी नहीं। और इसी पैसे के दम पर दोस्तों ये दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को अपने देश में लाता है, काम करवाता है, जिसके चलते कतर हर दिन के साथ तरक्की में और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। हर चीज़ दोस्तों अव्वल दर्जे की यहाँ देखने को मिलेगी, जिसके चलते कतर का एचटीआई का स्कोर है 0.848, और इस तरीके से ये मुस्लिम कंट्रीज़ की लिस्ट में आती है दुनिया में नंबर 3 पर। नंबर 2 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट का एक ऐसा देश है जो अपने दोस्तों पैसे के लिए तो फेमस है ही, लेकिन साथ ही मिलिट्री भी इसकी बड़ी ज़्यादा कमाल की है। मिडल ईस्ट के इस देश का रुतबा ना पूरे दुनिया में बहुत ही बड़ा बन चुका है। एजुकेशन यहाँ कमाल देखने को मिलेगी। हालांकि एक समय वो भी हुआ करता था जब सऊदी अरेबिया में दोस्तों वुमेन को काफ़ी ज़्यादा लो लेवल की लाइफ जीनी पड़ती थी और इनको फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, लेकिन आज के दिन सऊदी अरेबिया में दोस्तों वुमेन को पूरी फ्रीडम दे दी गई है। यहाँ वुमेन अब ड्राइव कर सकती है, कोई भी दोस्तों अपनी मर्जी का फैसला ले सकती है, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम अब मिल चुकी है एक सऊदी अरेबियन महिला को। यही वजह है कि आज के दिन एचटीआई का स्कोर सऊदी अरेबिया का है 0.857, और इस मामले में मुस्लिम कंट्रीज में ये आती है नंबर 2 पर। नंबर 1 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है यूएई का, यानी यूनाइटेड अरब इमीरात्स। इसको दोस्तों अगर पूरी दुनिया जानती है तो वजह है सिर्फ एक, और वो है दुबई सिटी। हालांकि अबू धाबी का रुतबा भी ऑयल के चलते बहुत ही बड़ा है, लेकिन दुबई का रुतबा ऑयल के चलते तो बना ही है। साथ ही दोस्तों ये दुनिया का टूरिज्म हब बन चुका है। इन्वेस्टमेंट्स की दुबई में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। यूएई में दोस्तों आज के दिन हर चीज़ आपको अव्वल दर्जे की देखने को मिल जाएगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशन सिस्टम की बात हो, मेडिकल केयर की बात हो, और अब तो दोस्तों फ्रीडम भी पूरी दी जाती है यूएई देश में। यूएई में दोस्तों आज के दिन आपको किसी भी चीज़ की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और आज के दिन तो दोस्तों यहाँ खुलेआम लोगों को प्यार करने की भी पूरी इजाज़त मिल चुकी है। काफ़ी आगे बढ़ चुका है, पुराने रूल्स को ख़त्म कर दिया गया है यूएई में। काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम वाले रूल्स आए हैं, जिसके चलते इसका एचटीआई का लेटेस्ट स्कोर बना है 0.866 स्कोर के साथ।
ये मुस्लिम कंट्रीज में नंबर वन पर आती है, जिसका एसटीआई स्कोर सबसे ज़्यादा कमाल का हो। सही में दोस्तों, दुबई ज़िंदगी जीने के लिए कमाल का शहर है। अगर यूएई पूरे की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देश है मुस्लिम कंट्रीज़ में। वैसे आपको दोस्तों क्या लगता है, इनमें से कौन सी वो मुस्लिम कंट्री है जिसका लाइफस्टाइल ना सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे का है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें तो डेली लानी है, तो चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।